वीडियो लेके आपके सामने आने की मुझे जरूरत पड़ी या जहमत उठानी पड़ी बार बार। तो इसलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ क्योंकि अभी मेरे पास कई शिक्षक साथी परेशान हैं ड्रेस के पैसे को लेके, जो हमारे पीएफएमएस में की साइड में आया हुआ है। पीएफएमएस की साइड में हमारे जो खाता है वो लिंक है, तो उसी से हमने इस काम को करना है। तो उस काम को करने के लिए मेरे पास अभी हमारे विद्यालय, नज़दीकी विद्यालय है जगतल विद्यालय, तो उस विद्यालय में मीना भंडारी मैम जो का हेड पर हैं, उनका मेरे पास कई बार कॉल आया, तो काफ़ी परेशान थी। उनके विद्यालय का मैंने ये पीएफएमएस की फाइल तैयार की है। इस फाइल को तैयार करने के लिए करनी भी जरूरी है क्योंकि इसी फाइल से हम लोगों का पैसा का विवरण पता चलना है, और इसी फाइल ये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना है। तो इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि मैं डीपी में भी इसके बारे में पता कर गया, तो इसमें हमने लेजर गैसबुक भी मेंटेन करना है, और लेजर गैसबुक मेंटेन करने के लिए तो हमें अपने पैसों की भी हमें पता जानकारी होनी चाहिए, क्या पैसा हमारा आया है, कितनी हमारी लिमिट है, किस हिसाब से हम उसको खर्च कर सकते हैं। खैर ये बातें वीडियो में, मैं कभी और टाइम मिला तो इस बातों को समझाऊंगा, लेकिन इस कार्य करने के तरीके मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, तो सबसे पहले मैंने इसमें जो किया, एक एडमिन पासवर्ड मैंने यहाँ पर एडमिन बनाया। एडमिन के बाद मैंने डाटा ऑपरेटर की पासवर्ड बनाए। डाटा ऑपरेटर के बाद मैंने इसमें अप्रूवल के बाद पासवर्ड बनाए, जो इसको अप्रूव करेंगे। और फिर तीसरा मैंने यहाँ पर लिखा, ये जो आपको दिखाई भी दे रहा होगा, इसमें जो इस खाते का मैं जितना पैसा आया है उसकी डिटेल मैंने अपने पास रखी है, कि ताकि मुझे इसमें लेजर कैशबुक बनाने के लिए कहीं पर भागना ना पड़े। और इसके बाद जो मैं इसमें वेंडर बनाऊंगा, उस वेंडर से जो मैं ट्रांजेक्शन करूंगा वो भी इस फाइल में मैं चिपका दूंगा, तो ताकि ये फाइल बनते चली जाएगी। और इसका पासवर्ड और इसके लॉगिन पासवर्ड हमें बहुत अच्छी तरीके से याद रखने हैं। इनफैक्ट एक फाइल बना के आप चिपका लीजिए, ताकि ये आपको पता चले कि आज इसके लॉगिन पासवर्ड कहाँ पर हैं, कैसे हैं। मैंने तो बनाए हैं इनके विद्यालय का, तो इसी तरीके से मैंने अपने विद्यालय को भी मेंटेन किया है। और इसको बनाने के तरीके पे मैं, इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसको बनाने का तरीका भी मैं आपको समरी समझा देता हूँ। कुछ अध्यापक हमारे बहुत जल्दी कर लेंगे, कुछ अध्यापक नहीं कर पाएंगे, तो उनकी हेल्प के लिए मैं उनकी हेल्प कर दूंगा। वो मुझे कॉल करें, मेरा नंबर यहाँ पर फ्लैश होगा आएगा, तो उस मुझे कॉल करें। और इस कार्य को इतना ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि अब कैसे होगा, ऑनलाइन काम करना है, क्या है, ये सब कर लेंगे। जब धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे तो सब कुछ कर लेंगे। तो इसी परिप्रेक्ष्य में मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले हमने क्या करना है, कि जब हमें इस पीएफएमएस में काम करने के लिए या इस पीएफएमएस को खोलना है, तो इस पीएफएमएस में काम करने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने अपनी आईडी और पासवर्ड जो हमें ब्लॉक से मिली हुई है उसको अपने पास रखना है। फिर जब हमने इस आईडी पासवर्ड से हमने क्या करना है, एक एडमिन का नया पासवर्ड जनरेट करना है जो हम एडमिन लेवल पर बनाएंगे। उस एडमिन लेवल पर से हमने क्या करना है, मास्टर में जाके फिर एक डाटा ऑपरेटर को बनाना है। डाटा ऑपरेटर कौन होगा? अब डाटा ऑपरेटर वो होगा, जैसे मैं विद्यालय का हेड हूँ तो मेरा सहायक डाटा ऑपरेटर हो जाएगा। और फिर तीसरा पासवर्ड हमने बनाना है अप्रूवल करने के लिए, मतलब डाटा ऑपरेटर क्या करेगा, बिल बनाएगा, उस बिल को अप्रूव करने के लिए हेड के पास जो अप्रूवल वाली स्थिति है वो हेड के पास होगी। वो अप्रूवल में जो पासवर्ड लगेंगे वो हेड के लगेंगे, वो उसको अप्रूव करेगा। देन फिर वो वेंडर के खाते में, जो वो वेंडर होगा जिससे हम परचेज कर रहे हैं सामान, या फिर जिससे हम ड्रेस परचेज कर रहे हैं, या फिर जिस वेंडर कोई भी हो सकता है, वेंडर एक अध्यापक खुद भी हो सकता है, इसमें वेंडर दुकानदारी हो ये जरूरी नहीं है, वेंडर एक अध्यापक भी हो सकता है। उसको हमने क्रिएट करना है और उसके हिसाब से हमने ट्रांजेक्शन करना है। ट्रांजेक्शन करना है, कैसे क्रिएट करना है, कैसे इस चीज़ को करना है, ये मैं एक नेक्स्ट वीडियो में पूरा समरी समझा दूंगा आप लोगों को। अभी के लिए जिसको, जो भी इस फाइल को बनवा रहा है, जो भी इस फाइल को, जो भी इस काम को कर रहा है, वो एक मेरे लिए, तो मैं तो यही कह सकता हूँ कि इसको एक समरी वाइज फाइल में करिए, ताकि आप इसमें कोई भी पासवर्ड भूलें ना, और किस तरीके से इसमें पासवर्ड चेंज होने हैं, किस तरीके से किसकी ईमेल आईडी है और किसका फ़ोन नंबर है, ये सब आपके पास यहाँ पर एक समराइज डिटेल होनी चाहिए। और कितना पैसा इसमें शुरुआत में आया था, और किस लिमिट में आपने इसको, कितने लिमिट में इसको खर्च किया है, वो डिटेल भी आपके पास होगी तो आपका काम इजी हो जाएगा आने वाले, क्योंकि ये लगातार ऐसा तो नहीं है कि हमने कुछ ही समय के लिए ये काम करना है, ये काम हमने आने वाले समय में भी करना है।
तो इसके लिए हमको अपनी एक फाइल बना के इसको क्रिएट कर लेना चाहिए। किसी को कोई परेशानी होती तो मुझसे संपर्क कर ले, और ज़्यादा स्थिति में वो मुझसे पूछ लें और उसको कर दिया जाएगा, उसकी परेशानी हल कर दी जाएगी। ऐसे घबराने की जल्दी नहीं है इसमें, जल्दबाजी ना करें, कोई जल्दबाजी से इसमें काम भी ना करें, आराम से काम करें। और कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो वो मुझसे संपर्क कर सकता है। धन्यवाद।